हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं राधा के बारे में। आखिर कैसे हुई थी राधा की मृत्यु? जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम की जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और राधा। श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनके बांसुरी हमेशा एक सूत्रों में बांधे रहे। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधियों को जानती थी। राधा को अलविदा कहकर कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई। कृष्ण से विवाह करने के लिए वो अपने भाई रुक्मी के खिलाफ भी चली गई। राधा की तरह वो भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा कि वो आकर उन्हें ले जाए। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे, राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना पूरा काम किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपनी दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वो द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वो दुखी नहीं थी। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा जी कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़ी कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वो कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने के लिए तय किया। उन्होंने सोचा कि वो दूर जाकर दोबारा कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण के राधा से कहा कि वो उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाना देखना चाहती थी। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया।
हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, उसके बावजूद भी राधा की मृत्यु को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम की प्रतिकारक तक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाक में फेंक दिया। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। जय श्री कृष्ण।